लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। खबरों की चर्चा तफसील से, और सबसे पहले आपको बताएं कि हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी देखने को मिली। जुआ गुरुग्राम में प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग के कई विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन हुड्डा गुट का कोई भी नेता इस मीटिंग में नहीं था। आपको बता दें कि पहले भी कई बार कांग्रेस की गुटबाजी सामने आ चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमसे लाइव जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। नीरज, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए किसी भी बैठक के जो कयास हैं, जो मायने निकाले जाते हैं, वो विपक्ष निकालता है, लेकिन पहली बार ये है कि कांग्रेस की एक बैठक यहाँ पे गुड़गांव में होती है। हालांकि अशोक तंवर इस बैठक को की अध्यक्षता कर रहे हैं। गुप्त बैठक इसको का नाम दिया गया था, मीडिया को बिल्कुल दूर रखा गया था इस पूरी बैठक से। लेकिन हुड्डा गुट के जितने भी जो लोग थे, जो पदाधिकारी थे, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ऐसे में हम जरूर इस बैठक के जो मायने हैं वो सियासी मायने निकलने शुरू हो गए हैं कि अशोक तंवर ने यहाँ पे सिर्फ अपने गुट के लोगों को बुलाया था और विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर ये जो बैठक रखी गई थी। बीते काफी समय से जो है हुड्डा गुट जो है इस बात को लेकर हावी रहा है अशोक तंवर के ऊपर कि कहीं ना कहीं संगठन को मजबूती देने में वो नाकाम रहे हैं, जिसके चलते जो है वो लोकसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यहाँ पे मौजूद हैं गुरुग्राम के, गजय सिंह कबलाना, इनसे जानते हैं कि बैठक में आप मौजूद थे सर, क्या बैठक में खास रहा? देखो 22 के 22 जिलों के जो मेन पदाधिकारी हमारे कांग्रेस के, वो सब इकट्ठा हुए और एक फैसला लिया गया कि हम जहाँ बूथ पे कमजोर, हम बूथ की मजबूती पे काम करें। जहाँ जहाँ जो सरकार की विफलता है उन लोगों को हम बीच में लेके जाएं, और चाहे सीवर की, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, चिकित्सा की दिक्कत है वो उठाएँ, और जो चाहे गरीब की बात हो, मजदूर की, किसान की, व्यापारी की जो अत्याचार हो रहे हैं उस बात को लोगों के सामने उठाएँ, और सरकार को भी ये चेताने का काम करें कि जो हालात कानून व्यवस्था डे बाय डे बिगड़ रही है, इसके खिलाफ भी कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। लेकिन पहली बार कांग्रेस की इस मीटिंग से, पहली बार बीते 5 सालों के दौरान, मीडिया को दूर रखा गया, आखिर वजह क्या रही इसकी? नहीं, एक चुनाव के सिलसिले में कोई भी तैयारी करी जाती है तो पार्टी पदाधिकारी पहले खुद बैठते हैं, उसके बाद मीडिया को हर चीज़ की जानकारी देनी है, और आज भी मीडिया को हर बात हम बता रहे हैं कि ये हम मेन जो आज हमारा एजेंडा था चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में था कि कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए। पूजा, हमारे साथ अटेली मंजी से जो है विधायक, जो है पूर्व विधायक जो नरेश यादव मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे आज जो अध्यक्ष जी का चेहरा है वो कुछ अलग ही बयां कर रहा है सियासत। ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं राहुल जी ने, सोनिया जी के बनाए हुए अध्यक्ष हैं, और हम कांग्रेस जन, जितने भी सीनियर कांग्रेस जन हैं, सभी लोग आज मौजूद हैं। पुराने ज़माने के राजू जी के जो साथ रहे, जो इंदिरा जी के, संजय जी के साथ रहे, वो सब कांग्रेस जन यहाँ पर थे। तो ये कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है, कांग्रेस के संगठन को, कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, व्यक्ति विशेष को नहीं, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। तंवर साहब कांग्रेस के, लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए अशोक तंवर को 5 साल दिए गए, लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन लोकसभा चुनाव संगठन की कमजोरी के कारण हार गए। नहीं, संगठन खूब सारे कार्यक्रम अच्छे हुए, प्रदेश में लगातार मुद्दों को लेकर के आंदोलन हुए, नहरी पानी के लिए, SOL के लिए पदयात्राएं हुई, सारे कार्यक्रम 5 साल में सब जगह हुई। गवर्नमेंट के खिलाफ, नोटबंदी के खिलाफ चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुए, दिल्ली में प्रदर्शन हुए, जंतर मंतर में प्रदर्शन हुए, जो भी अपोजिशन के रूप में कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यक्रम आयोजित हुए सारे सफल कार्यक्रम हुए। रही बात आप कहना चाहोगे भाई इस चुनाव में तो पूरा देश ही बोल गया ये, लेकिन हरियाणा में हालात अलग थे। हरियाणा में विपक्ष जो है अपने आप को काफ़ी मजबूत बता रहा था, अशोक तंवर कह रहे थे कि हम जनता को अपनी तरफ लाने में जो है जरूर सफल होंगे, लेकिन चुनाव के बाद हालात बेहद अलग हैं। हुड्डा गुट अभी भी हावी है कि अशोक तंवर की अध्यक्ष बनने के बाद से जो है पार्टी कमजोर हुई है, अब ऐसे अध्यक्ष को यहाँ से हटाया जाना चाहिए और किसी नए अध्यक्ष को लाया जाना चाहिए। आप भी पूर्व विधायक रहे हैं तो क्या कहेंगे आप? देखो आज जो कांग्रेस पार्टी को, मैं अहिरवाल बेल्ट से आता हूँ, अटेली से MLA रहा हूँ, जो कांग्रेस पार्टी को आज जो मतदाताओं ने जो वोट दिया, खास तौर से दलित वर्ग के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, हमारे अटेली मंडी में भी इस बार पिछली बार से 10,000 वोट ज़्यादा बढ़े हैं,
तो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक बना है, बचा है, वो हमारा दलित वर्ग बढ़ रहा है। तो जहाँ तक आप कह रहे हो जी किसी गुटबाजी की, देखो सब अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, इकट्ठा गुलाम नबी आजाद जी ने सबको इकट्ठा भी किया। हुड्डा गुट का एक भी नेता यहाँ पे मौजूद नहीं है, एक भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं है। देखो ऐसा है, वो अपने लेवल पर कहीं अपने काम में लगे हुए होंगे। अब चुनाव चल रहा है, लोगों की मीटिंगें चल रही है, मेरी भी आज मीटिंगें थी, मैं छोड़ के आनी पड़ती है। प्रदेश स्तर की मीटिंग में अगर कार्यकर्ता खुद को अलग रखेंगे तो विधानसभा चुनावों में कैसे पार पाएगी कांग्रेस, ये बड़ा सवाल है। देखो प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता, ये कांग्रेस पार्टी है, जब हमारी हाईकमान, जब हमारे सारे ऊपर के नेता, हमारे हरियाणा के प्रभारी जब ये बैठेंगे, अभी तो चुनाव नई नई ताज़ा हार हुई, जब ये सारे लोग बैठेंगे, मेरा दावा है कि राहुल गांधी जी, राहुल गांधी का जिक्र आपने किया, राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, अध्यक्ष थे, तो क्या इस्तीफा देना चाहिए अशोक तंवर को, क्योंकि हरियाणा के अध्यक्ष रहे हैं पिछले 5 साल? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल जी ने अपने ऊपर सारी चीज ले ली और किसी को नहीं कहा पूरे देश में कि भी आप लोग इस्तीफा दें, क्योंकि ये स्थिति नहीं है कि सब अध्यक्ष जी को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं, अध्यक्ष जी की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये तो पूरे देश में ही परिवर्तन थी, वो जो पूरे देश में हुआ है, राजस्थान में 25 की 25 सीट नहीं आई, तो क्या सारे लोग इस्तीफा दे देंगे? राहुल जी ने मान लिया, अभी मैं अध्यक्ष नया बना था, लेकिन मैं तो कहता हूँ राहुल जी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि 3 स्टेटों में राहुल जी के अध्यक्ष बनने के बाद 3 स्टेटों में चुनाव हुए, तीनों स्टेटों में हम भारी बहुमत से जीते, और दूसरा हमारा गुजरात चुनाव में हमारा ग्राफ बढ़ा। राहुल जी को भी मैं तो कहता हूँ कि राहुल जी को भी फूट से कैसे पार पाएगी कांग्रेस, राहुल जी फूट से कैसे पार पाएगी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट अलग राजनीति कर रहा है, अशोक तंवर आज अलग राजनीति कर रहे हैं, और इस बैठक के सियासी मायने निकलने शुरू हो चुके हैं। सबको मिलकर चलना पड़ेगा, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे हमारे अशोक तंवर जी हो, हमारी बहन किरण चौधरी जी हो, और मुझे पूरा भरोसा है। नीरज, नीरज अटेली से विधायक हैं आपके साथ में, इनसे पूछे, किरण चौधरी का ये जिक्र करते नजर आ रहे हैं, किरण चौधरी का इन्होंने जिक्र किया, और किरण चौधरी तो राज की बात करती हैं, किरण चौधरी सार्वजनिक मंच से राज की बात कर रही हैं। विधायक हैं नरेश यादव, पूजा, मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि अशोक तंवर खेमे के ही माने जाते हैं, कैप्टन अजय यादव और किरण चौधरी, इस बैठक से उन्होंने भी खुद को दूर रखा, तो क्या कुछ ठीक नहीं चल रहा है पार्टी के अंदर, अशोक तंवर खेमे के अंदर क्या कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? नहीं नहीं, कप्तान साहब के सभी आदमी यहाँ पर हैं, किरण चौधरी जी के जो जिला प्रधान रहे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो रहे, जो नांगल चौधरी से चुनाव लड़े, किरण चौधरी के गुट के माने जाते हैं। कैप्टन अजय यादव नहीं आए यहाँ पे? अब कैप्टन साहब तो ये बड़े आदमी हैं, कैप्टन साहब कहीं बिजी होंगे, तो कैप्टन साहब के तो मैं नहीं कहता, लेकिन किरण चौधरी के तो सभी लोग आए हुए हैं जो भी हमारे। तो पूजा, ये काफी बड़ी अहम बैठक थी, पूरे जिले, पूरे प्रदेश भर से जो है कांग्रेसी नेता यहाँ पे इकट्ठे हुए थे अशोक तंवर खेमे के, लेकिन कैप्टन साहब की दूरी और किरण चौधरी की दूरी भी काफी सियासी जो है बातें बयां कर रही है कि आखिर किस तरह से सब कुछ सही जो कहा जा रहा है कि अशोक तंवर बार बार कहते नजर आते हैं कि सब कुछ सही है, कहीं कोई फूट नहीं है, लेकिन आज की इस ये बैठक जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। जी नीरज, आप जो वरिष्ठ नेता थे उनसे बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरेंगे, लेकिन पार्टी की व्यवस्था कब तक ठीक होगी ये कोई भी नेता बोलने से बच रहा है। देखिए, पार्टी की व्यवस्था की बात आप यहाँ इस बैठक से लगा सकते हैं अंदाजा कि प्रदेश स्तर की बैठक थी, और प्रदेश स्तर की बैठक में प्रदेश भर से जो हुड्डा के समर्थक थे इस बैठक से खुद को दूर रखा। पहली बार अशोक तंवर की कोई किसी भी बैठक से मीडिया को दूर रखा गया, पहली बार ऐसा हुआ कि मीडिया चैनल्स के ऊपर या तमाम जो है मीडिया के अंदर छाए रहने वाले अशोक तंवर जो है वो मीडिया से के तीखे सवालों से बचते नजर आए, यानी कुछ ना कुछ सियासी मायने जो है इस बैठक के निकाले जा सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि परिवार की बात थी और परिवार के बातों के तहत जो है वो मीडिया को अलग रखा गया, लेकिन अगर परिवार की बात थी तो ऐसे ही उठा कहते हैं कि कांग्रेस परिवार की बात थी, लेकिन यह इस बैठक के बाद जो है क्या ये अशोक तंवर का परिवार कहा जाएगा इसको? बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, अब ऐसे में विधानसभा चुनावों में कैसे पार पाएंगे इस फूट से, यह देखने वाली बात होगी। जी नीरज, आपके पीछे जो बैनर लगा हुआ है उसमें साफ तौर पर मैं पढ़ पा रही हूँ, उसमें लिखा है कांग्रेस प्रतिनिधि और वरिष्ठ नेताओं की ये बैठक थी, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं और वरिष्ठ नेता हैं उनकी बैठक थी, लेकिन वरिष्ठ नेता एक भी इस बैठक में नजर नहीं आए।
बिल्कुल देखिए, अपने आप में बहुत बड़े सवाल है इस बैठक के अंदर, जो लोग आए और जो लोग नहीं आए। विधायक भी जो है, काफ़ी विधायक भी अशोक तंवर का कई बार राजनीतिक मंचों से समर्थन करते देखे जा सकते थे, लेकिन इस बैठक से क्यों दूरी बनाई गई? हालांकि इस बैठक के बाद ही सबको कैसे काम हुआ। पूर्व विधायक का ये कहना है कि किसी न किसी को कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन इस अहम बैठक में जो कि प्रदेश स्तर की बैठक थी, किरण चौधरी ने खुद को अलग रखा, कैप्टन अजय यादव ने खुद को अलग रखा, और भी बहुत सारे नेता थे जिन्होंने खुद को अलग रखा। अब ऐसे में अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष कहे जाते हैं, ऐसे अध्यक्ष के आदेशों का अनुपालना जिन कांग्रेसियों ने नहीं की, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई पहले भी आज तक नहीं हुई ना अब जो है होती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि इस बैठक के क्या सियासी मायने निकलने वाले हैं आने वाले वक्त में। जी नीरज, आपके साथ में नेता मौजूद हैं, उनसे सवाल ये बन सकता है कि उनसे ये पूछिए, चुनाव को अब गिनती के दिन बचे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति जो है लचर होती जा रही है, उनको लगता नहीं है कि विधानसभा चुनावों में फिर से उनको डिफीट मिल सकती है? नरेश जी, करारी हार हुई है देखिए लोकसभा चुनावों के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ऐसे में जो ये लगातार फूट बढ़ती जा रही है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, या फिर अलग अलग जो खेमों में बटी हुई है कांग्रेस, तो ऐसे में कैसे पार पाएगी, कैसे विपक्ष जो सत्ता पक्ष है, कैसे आप उसको चुनौती दे पाएंगे? देखो, कोई भी कांग्रेस से ऊपर नहीं है, कोई ऐसा रिवोल्यूशनरी लीडर इस टाइम कांग्रेस पार्टी में नहीं है जो कांग्रेस से ऊपर हो। जो भी चीफ मिनिस्टर बने हैं, कुछ भी बने हैं, सब कांग्रेस पार्टी की ही देन से बने हैं। इसलिए जिस अध्यक्ष को सोनिया जी ने मान रखा है, राहुल जी ने मान रखा है, तो मेरी जो सीनियर कांग्रेस जन है उनसे मैं कहना चाहता हूँ इस टेलीविजन के माध्यम से कि भाई जब तक वो चाहेंगे, वो अध्यक्ष हैं और हम सब लोग इसीलिए आए, हम कोई गुटबाजी वाले लोग नहीं। हम तो आप अध्यक्ष के साथ, कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हैं, नहीं अशोक तंवर के साथ नहीं है? नहीं, मैं कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हूँ। सोनिया जी ने मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई, मैं राजीव जी के साथ काम किया, मैंने इंदिरा जी के साथ काम किया। यानी अगर अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष हटाया जाता है और किसी और को बनाया जाता है, तो आप जैसे आज बैठक में शामिल हुए वैसे ही बैठकों में शामिल होते रहेंगे? बिल्कुल, जो सोनिया जी, राहुल जी का जो भी अध्यक्ष जो बनाएगी, कांग्रेस पार्टी बनाएगी, मैं उसमें शामिल हूँगा। मैं कोई व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हूँ। अगर वो अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट का बनाया जाए तब भी आप समर्थन करेंगे? अगर कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाया जाता है तो क्या तब भी उसका समर्थन करेंगे आप? भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे और मैं निर्दलीय MLA था। सोनिया जी जब आई, जब रैली हुई हमारी बिजली की, तो हमने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो हम तो कांग्रेस पार्टी को निर्दलीय होते हुए भी मैंने कांग्रेस पार्टी को साथ दिया। मैं पुराना कांग्रेसी हूँ। पूजा, हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछते हैं कि ऐसी बैठकों से, ऐसे फूट गुटबाजी से कार्यकर्ता के मनोबल पर कितना असर पड़ता है, क्या कहेंगे सर? नीरज, समय बहुत कम है तो बहुत ब्रीफ में आंसर लें। खेमा अलग अलग नजर आ रहा है। सर, ये खेमे की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कुंबा है और जितना बड़ा कुंबा होता है उसके अलग अलग जगह काम करना होता है। इतना बड़ा हरियाणा है, कुछ लोग साउथ हरियाणा में काम कर रहे हैं, कुछ नॉर्थ में कर रहे हैं, कुछ दक्षिणी हरियाणा में, इस तरह से हर जगह काम कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छा मैसेज ये है कि सभी वरिष्ठ नेता हैं, सारे अपने अपने कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। तो पूजा, देख सकती हैं आप, हालांकि इस बैठक के बाद सभी के सुर जो हैं वो एक जैसे जरूर देखे जा सकते हैं, लेकिन इस बैठक के सियासी मायने निकलने शुरू हो गए हैं। अब ये कितनी दूर तक जाएंगे ये आने वाले वक्त में जरूर पता लग पाएगा। बिल्कुल नीरज, बात निकली है तो दूर तक जाएगी और विपक्षी भी इसी बात को लेकर लगातार निशाना साध रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम राय इन नेताओं की साझा करवाने के लिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।